देखो, खाली खोटे आचरण, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, इस रूप प्रवृत्ति का नाम मिथ्याचारित्व नहीं है। मिथ्याचारित्व किसी प्रवृत्ति का नाम नहीं है। प्रवृत्ति के साथ मान्यता कैसी है उसके अनुसार वो नाम पाता है। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्याचारित्र वाला है और एक सामान्य भोगी मिथ्या दृष्टि जीव भी जो विषय भोगों में लगा है वो भी मिथ्याचारित्र वाला है। तो बोले साहब, ये दोनों का नाम मिथ्याचारित्र क्यों है? बोले इसलिए मिथ्याचारित्र है कि जो ये पंच इंद्री के विषय भोगों में लगा हुआ है, इसकी मान्यता ये है कि इन विषयों से सुख मिलेगा, तो इस सुख मान के विषय भोगों में लगा है, इसलिए मिथ्याचारित्र। इस आप द्रव्यलिंगी का मिथ्याचारित्र क्यों है कि जो त्याग रूप व्रतशील संयम आदि, इनसे लाभ होगा, इनसे धर्म होगा, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता सहित त्याग में लगा हुआ है, इसलिए इसका भी नाम मिथ्याचारित्र है। तो फिर सम्यक चारित्र क्या है? ना त्याग से लाभ होता है, ना भोग से लाभ होता है, अपने स्वरूप में रहने से लाभ होता है।